गुड न्यूज टुडे आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है सभी बड़ी खबरों पर नजर डालने का जीएनटी एक्सप्रेस में। रूस से MI-17 हेलीकॉप्टर नहीं खरीदेगा भारत, वायुसेना का मेक इन इंडिया पर जोर। सियाचिन और पूर्वी लद्दाख में होता है MI-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल, 48 विमानों को वायुसेना और दूसरी एजेंसियों में शामिल करने की थी योजना। यूक्रेन पर रूसी हमले से काफी पहले लिया गया फैसला, सूत्रों के हवाले से खबर। भारत दौरे पर आ जाएंगे मॉरिशियस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, पीएम मोदी ने दिया था निमंत्रण। April 17 से 24 अप्रैल तक कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा, यात्रा के दौरान वाराणसी भी जाएंगे प्रविंद कुमार जगन्नाथ। पंजाब सरकार के मुफ्त बिजली के ऐलान के बाद बोले अरविंद केजरीवाल, हम दूसरी पार्टियों की तरह झूठे वादे नहीं करते, जो कहा है वो करके दिखाया है। हम जो कहते हैं वो करते हैं, तो हमने एक ही महीना हुआ है आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने अपना पहला वादा पूरा कर दिया। केजरीवाल ने साधा विपक्ष पर निशाना, कहा विपक्षी पार्टियां नहीं चाहती सिस्टम बदले। विपक्षी पार्टियां ये नहीं चाहती कि सिस्टम बदले, विपक्षी पार्टियां कभी नहीं चाहती कि ये जो भ्रष्ट सिस्टम है ये बदले। अरविंद केजरीवाल ने कहा आम आदमी पार्टी सिस्टम को बदलना चाहती है ताकि कोई भ्रष्टाचार न कर पाए। पंजाब सरकार की ओर से जनता को बड़ी सौगात, 300 यूनिट हर महीने मुफ्त में मिलेगी बिजली। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आधिकारिक तौर पर किया ऐलान, 1 जुलाई से लोगों को मिलेगा योजना का लाभ। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल बिजली के दामों में भी कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, खेती के लिए दी जाने वाली बिजली की सब्सिडी भी रहेगी जारी। पंजाब सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड भी किया पेश, सरकार द्वारा किए गए कामों को गिनाया। पंजाब में भगवंत मान सरकार को सत्ता में आए 1 महीना पूरा, जनता को दिलाया योजनाओं के लाभ का भरोसा। अरविंद केजरीवाल के घर पर तोड़फोड़ करने वालों को सम्मानित करने पर खफा हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, कहा बीजेपी गुंडों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी गुंडई करने पे, लफंगई करने पे, लोगों के साथ मारपीट करने पे ना सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करेगी बल्कि अपने दफ्तर में अपने नेताओं से आपका स्वागत भी कराएगी, आपको हीरो की तरह सम्मानित भी कराएगी। सिसोदिया ने कहा अमेरिका में अगर कोई गुंडागर्दी करता है तो वो जेल जाता है, भारत में बीजेपी उसे सम्मान देती है। आज अगर अमेरिका में कोई गुंडई करता है तो उसको जेल में जाना पड़ता है, लेकिन भारत में अगर कोई गुंडई करता है तो उसको भारतीय जनता पार्टी में आराम से जगह मिल जाती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी साधा बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी कभी अच्छे स्कूल नहीं बनाएगी, इन्हें अपनी राजनीति के लिए लाखों अनपढ़ और बेरोजगार चाहिए। दिल्ली में कोरोना के 461 नए मामले, लगातार बढ़ रहे हैं मामले। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं, हम इसको लेकर पूरी सतर्कता बरत रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र को हाई अलर्ट पर रखा। नोएडा और गाजियाबाद के मरीजों के सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग कराने के निर्देश, कोविड प्रबंधन टीम को जारी किए गए हैं निर्देश। प्रदेश में वर्तमान में एक्टिव केस की संख्या 507, 24 घंटे में 106 नए मरीज मिले। 4 राज्यों की 5 सीटों पर हुए उपचुनाव के आए नतीजे, छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेसी प्रत्याशी यशोदा वर्मा जीती। उपचुनाव में आए अब तक के नतीजों में बीजेपी के सभी प्रत्याशियों को मिली हार, बिहार में आरजेडी, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बंगाल में टीएमसी का जादू। बिहार में बोचहा चुनाव में आरजेडी प्रत्याशी अमर पासवान की जीत के बाद जश्न का माहौल, आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले बोचहा की जीत को झांकी है, तेजस्वी यादव की ताजपोशी अभी बाकी है।
बोचहा की जीत तो एक झांकी है, असली फिल्म तेजस्वी यादव जी की ताजपोशी अभी बाकी है। बोचहा में बालीगंज में विधानसभा उपचुनाव के लिए टीएमसी से बाबू सुप्रियो ने दर्ज की जीत, कहा जनता ने बीजेपी का अहंकार तोड़ा। छोटा किया आज जो है वहाँ के लोगों ने भी दिखा दिया, और शत्रुघ्न जी और मैं हम लोग हमेशा बात भी करते हैं, बहुत जम के आसनसोल का काम करेंगे, इसको मैं पोएटिक जस्टिस कहूंगा। जियो आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा ने भी दर्ज की जीत, 290,000 से ज्यादा वोटों से जीते। ये उपहार जो दिया गया है सही मायनों में उपहार आसनसोल की जनता ने, यहाँ के वोटर्स ने, हमारी ग्रेट लीडर, ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ग्रेट ममता बनर्जी जी को दिया है, उनकी तृणमूल कांग्रेस को दिया है और साथ ही साथ हम लोगों को दिया है। आसनसोल की जीत टीएमसी के लिए बेहद अहम, अभी तक इस सीट पर कभी नहीं मिली थी जीत, जश्न का माहौल। महाराष्ट्र के कोल्हापुर उत्तरी विधानसभा सीट से कांग्रेस को मिली जीत, कांग्रेस प्रत्याशी जयश्री जाधव को 18,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल हुई। सोनिया गांधी की आवाज 10 जनपद पर हुई कांग्रेस की बड़ी बैठक, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता हुए बैठक में शामिल, 2024 के चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर ने दिया प्रेजेंटेशन। बैठक के दौरान कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा, कांग्रेस नेता अंबिका सोनी, दिग्विजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहे मौजूद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा बीजेपी आरएसएस की नफरत की कीमत हर भारतीय चुका रहा है। 13 विपक्षी दलों के नेताओं से साझा बयान जारी किया, साझा बयान में सभी धर्मों के लोगों से की गई शांति की अपील। साझा बयान में सोनिया गांधी, शरद पवार, ममता बनर्जी समेत विपक्ष के सभी बड़े नेताओं ने बयान जारी कर कहा शांति और सौहार्द के लिए सभी मिलकर करें प्रयास। भोपाल में दिखी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल, हनुमान जयंती के जुलूस पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बरसाए फूल। आज हनुमान जयंती जुलूस है और हम लोग हमेशा ही हमारे हिंदू भाइयों का स्वागत करते हैं और आज भी इसी तरह से हमारा स्वागत कर रहा है और इस जुलूस का स्वागत करते रहेंगे। लोगों ने कहा गंगा जमुनी तहजीब का शहर है भोपाल, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक साथ मनाते हैं ईद और दिवाली। वर्ष हर समाज के लोगों का हम यहाँ पर सम्मान करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। आज हमने गंगा जमुना तहजीब जो है उसको फॉलो किया है। पुराने भोपाल के चारबत्ती इलाके में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया जुलूस का स्वागत, संवेदनशील इलाका देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल रहा तैनात। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुए हंगामे के बाद आरएएफ की 2 कंपनियां तैनात, दिल्ली पुलिस का बयान, हालात पूरी तरह नियंत्रण में। पुलिस फोर्स है, सारी चीजें सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और जो भी झगड़ा जो भी हुआ है इसको हम लोग जो पीस कमेटी है, अमन कमेटी है, तमाम लोगों से बातचीत कर एक शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और स्पेशल सीपी से गृह मंत्री ने की बात, गृह मंत्री ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के दिए निर्देश। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शांति बनाए रखने की अपील की, कहा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि शांति बनाए रखना, बिना शांति के तो देश तरक्की नहीं कर सकता। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी। दिल्ली में जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद जेएनयू कैंपस के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, हालांकि कैंपस में नहीं दिख रहा है कोई असर। दिल्ली में जहांगीरपुरी में हुए बवाल के बाद यूपी में भी सतर्क हुई पुलिस, कानपुर में भी अलर्ट पर पुलिस प्रशासन। दिल्ली में बवाल के बाद यूपी के गाजियाबाद और फतेहपुर में अलर्ट जारी, पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। यूपी के गोंडा में पुलिस की सख्त निगरानी, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सड़क पर निकली पुलिस।
यूपी के बांदा में भी अलर्ट मोड पर है पुलिस। डीएम के निर्देश पर पुलिस का फ्लैग मार्च। जहांगीरपुरी दंगे के बाद नोएडा में भी बढ़ाई गई सुरक्षा। भीड़भाड़ वाले इलाके में की जा रही है सघन चेकिंग। पद्म विभूषण पंडित जसराज के शुरू किए संगीत समारोह की स्वर्ण जयंती पर भारत सरकार जारी करेगी डाक टिकट। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट करके ऐलान। खैरागढ़ उपचुनाव में भारी जीत के बाद सीएम भूपेश बघेल ने पूरा किया वादा। खैरागढ़ छुई खदान गंडई को जिला बनाने का किया ऐलान। आगरा में इलेक्ट्रिक स्कूटर की बढ़ी डिमांड, पेट्रोल के बढ़ते दाम का दिख रहा है असर। झांसी के मऊरानीपुर तहसील में चैत्र नवरात्र से लेकर पूर्णमासी के बीच होता है ऐतिहासिक मेले का आयोजन। मावली माता मंदिर प्रांगण में होता है तड़का। फरुखाबाद में समाजवादी पार्टी के नेता ने के अवैध बारात घर पर चला बुलडोजर। सरकारी जमीन पर बनाया गया था बारात घर। बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। 1000 स्क्वायर फीट में निर्माणाधीन हॉल और 12 बीघे में बनी अवैध कॉलोनियां ध्वस्त। हापुड़ में निजी मंडियों में अपनी फसल बेचने को मजबूर है किसान। सरकारी क्रय केंद्र में कम मिल रही है कीमत। 16 दिन में पहली बार नवीन मंडी में फसल बेचने आया है किसान। बिहार में हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के अगले अध्यक्ष होंगे संतोष कुमार सुमन। मौजूदा पार्टी चीफ जीतन राम मांझी ने अपने बेटे के नाम का किया ऐलान। अहमदाबाद में महंगाई के खिलाफ अजीबोगरीब विरोध। शादी में मिली गिफ्ट देखकर दंग हुए लोग। दूल्हे को मिठाई के बॉक्स में दिया गया नींबू। नमामि गंगे परियोजना का यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया निरीक्षण। महोबा की पेयजल समस्या को खत्म करने की योजना पर काम। असम के बरपेटा से अलकायदा से जुड़े 6 संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार। पुलिस कर रही है पूछताछ। झारखंड में पंचायत चुनाव के दौरान केंद्रीय मंत्रियों के दौरे पर जेएमएम कांग्रेस को सख्त एतराज। राज्य निर्वाचन आयोग से की शिकायत। दिल्ली में कोरोना की फुल स्पीड। 24 घंटे में मिले 461 मरीज, 2 लोगों की मौत। शिमला में बढ़ी पर्यटकों की भीड़। मैदानी इलाकों में पड़ रही गर्मी से बचने के लिए सैलानी कर रहे हैं पहाड़ों का रुख। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर गृह मंत्रालय ने कसा शिकंजा। जांच के लिए बनाया अलग डेस्क। जांच एजेंसियों के रडार पर है पीएफआई की फंडिंग। सांप्रदायिक हिंसा के मामले में कई राज्यों में फंडिंग करने का शक। देश में हाल में हुए सांप्रदायिक दंगों से भी जुड़े हो सकते हैं पीएफआई के तार। खुफिया एजेंसियों और एनआईए ने गृह मंत्रालय को दिए कई इनपुट्स। नागरिक संशोधन कानून और हिजाब विवाद के दौरान हुए प्रदर्शन में पीएफआई के रोल की जांच। 8 से 10 राज्यों में इसके सक्रिय होने की आशंका। गृह सचिव के नेतृत्व में गृह मंत्रालय में हुई थी बड़ी बैठक। देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर बैठक में लिए गए फैसले। रूस ने फिर खार्किव में किया हमला। गोलीबारी में 8 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा लोग जख्मी। कीवो ब्लास्ट में रूस ने दागे 3 मिसाइल। और भी ऐसे हमले की आशंका। वापस आ रहे हैं लोगों को, यूक्रेन ने किया अलर्ट। मिकोलिव में रिहायशी इलाकों पर रूसी फौज ने क्लस्टर बम से किया टारगेट। हमले में 5 की मौत, 15 लोग जख्मी। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस का बड़ा दावा। मारियोपोल के सभी शहरी इलाकों से यूक्रेन की सेना को हटाया। खार्किव इलाके में जगह जगह कबाड़ बने दिखे रूसी टैंक। अब यूक्रेन की फौज का है वर्चस्व। कीव पर मिसाइल हमले बढ़ाएगा रूस। यूक्रेनी हमले से भड़की जंग।
रूस यूक्रेन जंग में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए 9 मानवीय गलियारे बनाए गए, इसमें मारियोपोल को भी किया गया शामिल। यूक्रेन के वित्त मंत्री का बड़ा बयान, बोले युद्ध की वजह से 30 से 50 फीसदी गिर जाएगी अर्थव्यवस्था। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया दावा, बोले हमने रूस के करीब 20,000 सैनिक मारे, वहीं 3,000 यूक्रेनी सैनिकों ने भी गंवाई जान। रूसी सैनिकों ने कीव क्षेत्र छोड़ने से पहले नागरिकों की कारों और घरों में बूबी ट्रैप लगाए, जिसमें एक यूक्रेनी नागरिक हुआ हताहत। मुंबई गोवा हाईवे पर सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर, 20 अप्रैल को परशुराम घाट पर मरम्मत के चलते दिन में बंद रहेगा हाईवे। भारी बारिश के चलते बेंगलुरु के लोगों की बड़ी मुश्किल, चिकपेटे सुल्तानपेटे और मगादी इलाके में भरा पानी। भारत सरकार ने पाकिस्तान के 2 कैदियों को किया रिहा, वाघा बॉर्डर के जरिए भेजा पाकिस्तान। हनुमान जन्मोत्सव पर मुजफ्फरनगर में निकली भव्य बालाजी यात्रा, मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने श्री खाटू श्याम जी परिवार के साथ मिलकर हेलीकॉप्टर से की पुष्प वर्षा। शहर में हनुमान जन्मोत्सव पर निकली शोभा यात्रा में दिखा अनोखा नजारा, झांकी में दिखे सीएम योगी और उनका बुलडोजर। आईपीएल में 16 अप्रैल को खेले गए दूसरे मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 16 रनों से हराया, आरसीबी की इस सीजन की 4th जीत। बेंगलुरु ने पहले बैटिंग करते हुए 189 रनों का बनाया था बड़ा स्कोर, बेंगलुरु की तरफ से दिनेश कार्तिक ने 66 रनों की खेली पारी। दिल्ली को बेहतरीन शुरुआत मिली और डेविड वार्नर ने 50 भी जड़ा, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए, कप्तान ऋषभ पंत ने भी बनाए 34 रन। आरसीबी की तरफ से मैक्सवेल ने 55 और दिनेश कार्तिक ने खेली 66 रनों की पारी। आज आईपीएल में पंजाब से भिड़ेगा हैदराबाद, दूसरे मैच में गुजरात टाइटंस से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला। आईपीएल में हुए लखनऊ और मुंबई के मुकाबले में 18 रनों से जीता लखनऊ, मुंबई की लगातार 6th हार। मुंबई के लिए पोलार्ड ने लगाया पूरा जोर, 14 गेंदों पर बनाए 25 रन। सूर्यकुमार यादव ने सबसे ज्यादा 37 रन बनाए, मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा फिर रहे फ्लॉप। लखनऊ के लिए आवेश खान ने की शानदार गेंदबाजी, 30 रन देकर चटकाए 3 विकेट। इससे पहले लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने शानदार शतक की बदौलत लखनऊ बनाए थे 4 विकेट पर 199 रन, मनीष पांडे ने खेली अच्छी पारी।